कब आ जाएगा? काल के चल। आजी। देखिए, पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ कहलाता है, और अगर किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई झूठी शिकायतें होती है या कोई व्यक्ति बदमाशी करता है, वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। सरकार राजस्थान में चाहे किसी की भी हो, हमने अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, एसपी साहब से हमने मांग की है कि इस मामले की जाँच है वो डिप्टी स्तर के व्यक्ति से करवाई जाए ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। और हम एसपी साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाएगी। शहर के वरिष्ठतम पत्रकार सुरेंद्र भाई चतुर्वेदी पर एक झूठा मुकदमा थाना क्रिश्चनगंज में पता नहीं किस राजनीतिक दबाव से या कैसे हुआ, उसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी पे मुकदमा दर्ज करा सकता है। आज इस संदर्भ में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, समस्त पत्रकार, समस्त शहर के लोग इस बात को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये मिली भगत से दर्ज हुआ है। इस बात पर उनको उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे निवेदन किया कि मुकदमे की दर्ज होने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप उसकी जांच करें, आप उस पर निष्पक्ष अनुसंधान करें, और अनुसंधान किसी भी उच्च अधिकारी से कराएं, और अनुसंधान का अधिकारी जो हो वो एडिशनल एसपी हो, इस लेवल का कोई भी अधिकारी हो, हमें उस अनुसंधान से कोई भी दुर्भावना नहीं है। और सुरेंद्र जी ने ये कहा एसपी साहब से कि मैं अनुसंधान में पूरा सहयोग करूंगा, मैं अनुसंधान में जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा, और इस बात का जो है दूध का दूध पानी होना चाहिए। अगर इस तरह से स्वच्छंद और निर्भीक पत्रकारिता का गला घोटा जाएगा तो ये देश का दुर्भाग्य होगा कि ये काम अजमेर से शुरू हो रहा है। पर इस बात को पुलिस अधीक्षक ने माना और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सुरेंद्र चतुर्वेदी जी का चूँकि जो स्तर है, जो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, और इस स्तर पे उनका जो है मुकदमा, मैं किसी भी उच्च अधिकारी से एक बार उसको स्क्रूटनी करके फाइल को किसी भी एडिशनल एसपी को देके और अनुसंधान कराऊंगा। आज हम सब इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सबकी बात को माना और एक निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया, यही हम चाहते थे। और इस बात के लिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद। पिछले लंबे समय से मैं बड़ी निष्पक्षता से, निर्भीकता से अपनी कलम को ब्लॉग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहा था। उसमें बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे भूमाफिया, बहुत सारे लोग ऐसे प्रभावित थे जो सच का गला घोटना चाहते थे, और मैं सच को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध था, कटिबद्ध था। इस चक्कर के अंदर जो बड़े बड़े राजनेता थे, जो मंत्री स्तर के लोग थे, उन्होंने साजिश करके मेरे खिलाफ एक मामूली से आदमी को मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आज सारे मेरे मित्र जो पत्रकार भाई हैं, जो शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, वो मेरे साथ आए, हमने पुलिस अधीक्षक जी से बात की, अपनी बात कही और निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष जाँच करवाने की बात कही। इस पर मुझे खुशी है कि एसपी साहब ने, पुलिस अधीक्षक साहब ने मेरी बात को मानते हुए, हम सबकी बात को मानते हुए किसी उच्च अधिकारी से मामले की जांच निष्पक्ष रूप से कराने का आश्वासन दिया। मुझे खुशी है कि कम से कम अजमेर के अंदर जो शुरुआत हुई है उसका न्याय को बहुत सहारा मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई हुई है, मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने के समान है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री और उनके कोई चिकित्सा मंत्री यदि स्वस्थ आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए दिन ये घोषणा बार बार कहते हैं, दावा करते हैं, सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं कि उन्होंने इस लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है, कांग्रेस ने इस लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी सरकार में कथनी और करनी में फ़र्क है। जब उनके मंत्री के एक दबाव से इस तरह के एक बिलावर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुझे लगता नहीं है कि इससे लोकतंत्र बचेगा। और मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठे हुए हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जिस पद पर बैठे हैं, उनको अपनी स्वस्थ आलोचना तो बर्दाश्त करनी चाहिए।
जिस तरीके से उनके इशारे पर मुकदमा दर्ज किया गया सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के खिलाफ, मैं सोचता हूँ कि यह किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।